जो हमारा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से पहला क्वेश्चन बनता है वो है, सिरमौर के किस राजा ने 13वीं शताब्दी के शुरू में अपनी रियासत की राजधानी राजवंश से कलसी बदली। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट बहुत जरूरी रहने वाली है क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे जो राजा हुए हैं जिन्होंने 13वीं शताब्दी में अपनी रियासत की राजधानी राजवंश से कलसी बदली है, उनका नाम हुआ है उदित प्रकाश जी। तो ये राजा उदित प्रकाश जी हुए हैं जिन्होंने अपनी राजधानी जो थी राजवंश से बदल के कलसी की थी। जब डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन हुआ था तो इसकी जो सॉरी सिरमौर रियासत का जो राजधानी हुआ करती थी वो राजबन हुआ करती थी, तो इनको राजधानी को बदल के इन्होंने राजबन से कलसी कर दिया था। तो राजा का नाम है उदित प्रकाश। जो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नाहन कोठी पंचकुला में सिरमौर के किस राजा ने बनवाई थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो नाहन की जो हमारी कोठी थी, जो नाहन कोठी थी पंचकुला में सिरमौर के किस राजा ने बनाई थी, तो ये कोठी जो बनाई थी तो उस टाइम के जो राजा थे वो थे फतेह प्रकाश। तो फतेह प्रकाश जी ने था ये कोठी बनवाई थी। ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास करम प्रकाश, फतेह प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है जगत प्रकाश, चौथा ऑप्शन है धर्म प्रकाश। तो यहाँ पे जो फतेह प्रकाश जी हुए हैं इन्होंने ये नाहन कोठी थी, नाहन कोठी पंचकुला में सिरमौर इन्होंने बनवाई थी ये। ठीक है, अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, टोटली हम अराउंड अराउंड जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इसी तरह शिमला के भी 50 करेंगे और बाकी कांगड़ा के 15-16 क्वेश्चन हैं उनको भी हम कवर अप साथ में ही कर लेंगे ताकि हम अगली जो है अपनी क्लास है वो सही से शुरू कर सकें और टॉपिक को लेके। तो जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है वो काफी बनता है सिरमौर से, सिरमौर रियासत के किस राजा ने अपने प्रशासन को अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की थी। तो हमसे ये पूछा गया है कि जो सिरमौर रियासत के कौन से राजा थे जिन्होंने अपने जो उनका प्रशासन था, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उसको अंग्रेजों की पद्धति पर ढालने की कोशिश की थी, जो अंग्रेजी प्रशासन था उसके अकॉर्डिंग जो था ढालने की कोशिश की थी। ऐसा ही क्वेश्चन हमने जब हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर बिलासपुर कवर अप कर रहे थे, बिलासपुर में भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हमसे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पूछा गया है, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो राजा हुए हैं वो हैं शमशेर प्रकाश जी। तो शमशेर प्रकाश जी ने क्या किया था, अपना जो प्रशासन था, जो अंग्रेजी पद्धति थी उस टाइम की, उसके अकॉर्डिंग जो था ढालने की कोशिश की थी। ऑप्शन हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे, पहला ऑप्शन ये है हमारे पास शमशेर प्रकाश है, धर्म प्रकाश है, करम प्रकाश है, जगत प्रकाश है। तो यहाँ पे शमशेर प्रकाश जी हुए हैं, इन्होंने जो अपना प्रशासन था अंग्रेजी पद्धति पर ढालने की इन्होंने कोशिश की थी। इस तरह अगला हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, और एक ऑप्शन बहुत सारे एग्जाम में आया है, 1902 ईस्वी के आसपास सिरमौर के किस राजा को इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में शामिल किया। तो जो राजा थे इनको शामिल किया गया था इस काउंसिल में, उनका नाम था सुरेंद्र विक्रम प्रकाश। सुरेंद्र विक्रम प्रकाश जी थे, इनको 1902 में जो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी इसमें शामिल किया था। बाकी हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। यहाँ पे शमशेर प्रकाश है, सुरेंद्र प्रकाश, सुरेंद्र विक्रम प्रकाश है, उदय प्रकाश है, राजेंद्र प्रकाश है। तो जो सुरेंद्र विक्रम प्रकाश थे इनको इसमें शामिल किया गया था काउंसिल में। इस तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का होगा उसने, अगर जिस किसी ने भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का जो हमारी हिस्ट्री थी अगर सही से समझी होगी तो उस क्वेश्चन का आंसर वो बिना मेरे ऑप्शन दिए ही बता सकता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि सिरमौर सॉरी किस साधु की पूजा सिरमौर में की जाती है, यानी ऋषि का नाम पूछा है। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में किस ऋषि की पूजा की जाती है, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो जगदम्बनी ऋषि हैं उनकी पूजा की जाती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जो है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो रेणुका नामक स्थान है उसको जो है परशुराम की जन्मभूमि के रूप में माना जाता है, कि इनका जन्म जो था यहाँ पे हुआ था, रेणुका में हुआ था। तो रेणुका जी के जो पति थे वो जगदम्बनी ऋषि थे। तो उस टाइम पे जो था, उस टाइम से लेके अभी तक जो है ये जो क्षेत्र था वे जगदम्बनी ऋषि के अंदर था। तो यहाँ पे जो है जगदम्बनी ऋषि की पूजा की जाती है, तो साधु का नाम आया तो जगदम्बनी ऋषि है। ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिए हैं, यहाँ पे लोमस है, ब्यास है, जगदम्बनी है, भृगु है। तो ये तो कुल्लू के हैं, ब्यास मंडी के हैं, जगदम्बनी की जगदम्बनी या जमदूरी, इनका नाम सेम ही है, एक ही चीज़ है, एक ही नाम है। तो जमदूर ऋषि को इनको जो कुल्लू के मलयाना में भी पूजा जाता है और यहाँ पे सिरमौर में भी इनकी पूजा होती है। तो जगदम्बनी ऋषि हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो साधु जिनकी पूजा की जाती है।
इस तरह हमारे पास अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस राजा ने प्रकाश उपाधि लगाने की शुरुआत की थी, यानी जो प्रकाश सरनेम था उसको लगाने की शुरुआत की थी। तो ऐसे कौन से राजा हुए हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो शुभम प्रकाश जी थे उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने नाम के साथ प्रकाश लगाया था, तो उन्होंने इस उपाधि की जो शुरुआत की थी। तो ऑप्शन हम चेक करते हैं ऑप्शन क्या है हमारे पास इसके, तो यहाँ पे माहे प्रकाश, शुभम प्रकाश, आदित्य प्रकाश, सुमेर प्रकाश। तो जो शुभम प्रकाश थे इन्होंने फर्स्ट टाइम अपने नाम के साथ प्रकाश लगाया था, प्रकाश उपाधि पूछी है तो फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने नाम के साथ प्रकाश लगाया था। अगला हमारे पास क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है हमारे, जितने भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हिस्ट्री या जियोग्राफी के हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के क्वेश्चन कर रहे हैं या पूरी ऑल ओवर अभी तक हमने किए हैं, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये हमने अपनी मर्जी से टाइप नहीं किए हैं, अपनी मर्जी से मैंने कहीं से उठाए नहीं है। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो कमीशन का हुआ है, चाहे टैट का हुआ है, या HPPSC शिमला के हुए हैं, उन सब में जो है ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिक से ये क्वेश्चन है, तो ये हर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है यही इसी टाइप से पुटअप होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर भी कोई अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं डालेगा, वो भी जो है कट कॉपी पेस्ट करेगा कहीं से। तो मैक्सिमम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह हम अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे 1942 ईस्वी में पंजोत्ता आंदोलन के समय सिरमौर रियासत का राजा कौन था। तो जो जब पंजोत्ता आंदोलन शुरू हुआ था, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस आंदोलन से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन है। तो इसमें हमसे पूछा जाता है कि इस पंजोत्ता आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, या उसके राजा कौन थे, ये किसका मतलब कहाँ से ये आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये जो आंदोलन है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था, और जो 1942 में जिस राजा के समय में ये हुआ था उसका नाम था राजेंद्र प्रकाश। तो राजेंद्र प्रकाश जो है सिरमौर के अंतिम राजा भी हुए हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप होते हैं, तो उनको हम स्लोली स्लोली डिस्ट्रिक्ट मतलब डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि 1942 ईस्वी में पंजोत्ता आंदोलन के समय कि सिरमौर रियासत का राजा कौन था। तो उस समय जो राजा थे वो राजेंद्र प्रकाश थे। ऑप्शन चेक करते हैं, राजेंद्र प्रकाश है, शमशेर प्रकाश है, अमर प्रकाश है, फतेह प्रकाश। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर समझ लें, जो पंजोत्ता की जब बात आए, पंजोत्ता आंदोलन की जब बात आए, तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से इसका जो है संबंध है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है, सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था। तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिरमौर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, 1942 ईस्वी में के टाइम पे इनका शासक था। तो इसका फिर भी वही आंसर आएगा, राजेंद्र प्रकाश ही आएगा। मैंने आपको बोला कि तीन चार क्वेश्चन जो है एक दूसरे से जुड़ते हैं, रिलेट करते हैं क्वेश्चन। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन नंबर 9 हम बात करें, तो ये क्वेश्चन भी जरूरी है बट इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। पर इसमें थोड़ा सा जो है मतलब मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि किस रियासत का शासक देवदार की पत्तियों और घास में बर्फ की पैकिंग करके उसे मुगल सहजादी जहां आरा की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजता था। तो हमसे रियासत के बारे में पूछा है कि यह ऐसा कौन से रियासत का जो शासक थे जो देवदार की पत्तियां होती हैं और घास में बर्फ की पैकिंग करके उसे मुगल सहजादी जहां आरा की मदिरा को शीतल करने के लिए भेजता था। तो जो रियासत थी, जो राजा का थे, वो सिरमौर रियासत बिलोंग करते थे। तो यहाँ सिंपल सा है, इसका आंसर आएगा सिरमौर। इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी एग्जाम में किसी ना एग्जाम में आया था क्वेश्चन, तो फिर भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका जो संबंध है, जो सिरमौर में गुज्जर रहते हैं उनसे इसका संबंध है कि यहाँ पे इनका कैसे इनकी मतलब बसने का उनको न्योता दिया था। तो क्वेश्चन पूरा समझते हैं, किस बात से प्रभावित होकर सिरमौर के राजा ने गुज्जरों को अपने राज्य में बसने का न्योता दिया था, न्योता दिया। तो ऐसी कौन सी बात थी गुज्जरों की जिसके कारण जो इनको जो था सिरमौर रियासत में बसने का मौका दिया था। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, वह अपने मन भावना नयनक से प्रभावित था। तो ये इसमें कोई ऑप्शन, इसका कोई तर्क नहीं बनता है। जो गुज्जर यहाँ पे जो आए थे, तो जब राजा अपने ससुराल में गए थे तो उन्होंने अपने ससुराल में देखा था कि गुज्जरों के द्वारा जो उनको दूध वगैरह पेश किया गया था, तो उसका जो स्वाद था उनको बहुत प्रिय लगा था, मतलब उनको अच्छा लगा था। तो उसके कारण एक ये कारण था कि सिरमौर के जो राजा थे जिन्होंने प्रभावित होकर जो था गुज्जरों को अपने राज्य में बसने का न्योता दिया था, तो उनके दूध की वजह से दिया था। तो हम आप इसको फिर से एक बार देखते हैं, इसका जो आंसर है
अपनी ससुराल में गुजरों द्वारा पेश किया गया दूध उसे अत्यंत स्वादिष्ट लगा। तो यह कारण था कि सिरमौर रियासत में गुजरों को बफन का न्योता दिया गया था उस टाइम के शासक जुटे हुए थे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, किस क्षेत्र के निवासी उसी मार्ग से पांडवों के प्रत्यागमन की प्रतीक्षा स्वरूप अनेक त्यौहार मनाते हैं जिसका वचन उन्होंने स्वर्गारोहण के समय दिया था। तो मतलब जब जो पांडव थे जब स्वर्ग जो अपनी अंतिम यात्रा कर रहे थे तो उस टाइम पे मतलब वो बहुत सारे क्षेत्रों से होके गए हैं, तो मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उनके जो प्रत्यागमन का जो मतलब कि प्रतीक्षा रूप स्वरूप कि उनके वापस आने के लिए जो उन्होंने वचन दिया था जो किस रियासत के जगह के लोगों को, तो उसके रूप में क्या है वहाँ पे एक स्वर्गारोहण के समय जो वचन दिया था तो उसके रूप में क्या है त्यौहार मनाते हैं, तो वो जगह कौन सी है मतलब, तो जगह वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है वहाँ पर ये चीज़ हुई थी, तो इसका राइट आंसर आएगा सिरमौर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सन 1621 में ईस्वी में किसने सिरमौर की राजधानी कालसी से नाहन बदली थी यानी स्वतंत्र की थी, उन राजा का नाम पूछा गया है हमने हमसे। तो जो 1621 में जो था सिरमौर से जो सिरमौर की राजधानी कालसी से नाहन बदली गई थी, तो उस टाइम के जो राजा थे वो राजा थे राजा करम प्रकाश। तो करम प्रकाश जी ने 1621 में अपनी राजधानी कालसी से नाहन बदल दी थी, तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम क्या है, ऑप्शन राजा धर्म प्रकाश, राजा बुद्धि प्रकाश, राजा उदय प्रकाश, पर जो इसका राइट आंसर है वो राजा करम प्रकाश। तो करम प्रकाश ने अपनी राजधानी कालसी से नाहन बदल दी थी। अगला क्वेश्चन हम यहाँ से देखते हैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, थोड़ा सा जरूरी क्वेश्चन है, तैमूरलंग ने सिरमौर राज्य पर आक्रमण डैस के शासन के दौरान किया था, कि जो तैमूरलंग थे उन्होंने सिरमौर के पर जो आक्रमण किया था किसके शासन में किया था, जो उनका आक्रमण हुआ था तो उस टाइम पे जो राजा थे वो थे वहाँ पे राजा रतन प्रकाश, रतन प्रकाश के टाइम पे जो था तैमूरलंग ने जो था सिरमौर पे आक्रमण किया था। ये सारी चीज़ें हमने जो जब सिरमौर की हिस्ट्री डिस्कस की थी उसमें सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो ये राजा हुए हैं रतन प्रकाश। बहुत जरूरी क्वेश्चन है मतलब कोई मजाक की बात नहीं चल रही है, ये आपको किसी ना किसी एग्जाम में आपके काम आएंगे, जो भी तैयारी कर रहा है चाहे वो पुलिस की कर रहा है चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड की कर रहा है चाहे वो कमीशन की कर रहा है चाहे टैट की कर रहा है, तो उसके लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन रहने वाले हैं, हर क्वेश्चन जो है एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी रहने वाला है। जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से, भगानी का युद्ध सन 1686 में गुरु गोविंद सिंह और राजा डैस के बीच हुआ लड़ा गया, तो ये जो युद्ध हुआ था ये सिरमौर के राजा और गुरु गोविंद सिंह के बीच में हुआ था, तो उन राजा का उनसे नाम पूछा गया है, तो जो गुरु गोविंद सिंह और जो राजा थे उनका नाम था भीमचंद, तो राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में जो था ये युद्ध 1686 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार फिर से कन्फर्म कर लेते हैं, तो यहाँ पे बीरचंद है, भीमचंद है, हीराचंद है, विजयचंद है, तो भीमचंद जी थे जिनका युद्ध था गुरु गोविंद सिंह और राजा भीमचंद के बीच लड़ा गया था ये युद्ध। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैंने अभी आपसे हार्डली 4-5 क्वेश्चन पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो फिर आगे वही बात कि सिरमौर में किस वर्ष पझौत्ता आंदोलन हुआ, तो ये हुआ है आपको पता है कि 1942 में हुआ है, राजा का मैंने आपको नाम बता दिया था कि राजा राजेंद्र प्रकाश थे उनके टाइम पे हुआ है, तो इसका राइट आंसर आएगा 1942। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन नंबर 16 है, तो ये है थोड़ा सा इसकी जियोग्राफी को रिलेटेड लेके जो सिरमौर में चीज़ें हैं, सुकेती जीवाश्रम पार्क डैफ जिले में स्थित है, जो सुकेती जीवाश्रम पार्क है वो सिरमौर जिला में स्थित है, बताने की बात नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है फिर भी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं किसी ना किसी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक आपसे पूछे हैं हर डिस्ट्रिक्ट के वो सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो इसी तरह अगला हमारा क्वेश्चन है, फिर से देखो वो वही क्वेश्चन आ गया पंजौत्ता आंदोलन का, जो पंजौत्ता किस जिले से संबंधित है, यहाँ पे आंदोलन नहीं दिया गया है कन्फ्यूजन करने के लिए, यहाँ पे सिर्फ सिंपल सा पंजौत्ता बताया, पंजौत्ता किस जिले से संबंधित है, तो जो पंजौत्ता है हमारा वो है हमारा सिरमौर जिले से। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से है वो है हमारे पास, सन 1942 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी,
जो किसान सभा ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी, तो उस टाइम का जो क्षेत्र था वो सिरमौर राज्य था, वो सिरमौर था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा सिरमौर। जरूरी क्वेश्चन है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, राजा रसालू ने किस देशी राज्य की स्थापना की थी? तो जो राजा सबसे पहले जो नींव रखी गई थी राज्य की, वो राजा रसालू ने रखी थी सिरमौर की नींव। तो उन्होंने सिरमौर जिला की स्थापना की थी। मैंने जब हमने डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के ब्रीफली डीपली पढ़ा था, उस टाइम मैंने ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था। तो सिरमौर राजा रसालू जिन्होंने स्थापना की थी। इस तरह का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, जातक किला, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नोट डाउन कर लें, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। जातक किला किस जिले में स्थित है? तो जातक किला की जब बात आए तो जातक किला जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिरमौर राज्य का संस्थापक कौन था? देखो मैंने वही बात आ गई कि सिरमौर किस राज्य की स्थापना की थी, राजा रसैलू ने। दो क्वेश्चन मैंने आपको इकट्ठे इकट्ठे बता दिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 22 है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो सिरमौर रियासती प्रजामंडल था उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो उसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1944 ईस्वी में। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन हमारे पास 1927, 1938 है, 1944 है, 1947 है। तो 1944 ईस्वी में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जो अगला हमारे पास क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से, वो है हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन है, पर बहुत जरूरी क्वेश्चन है। 1195 में ईस्वी में सिरमौर राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो राजवन में थी, जब सिरमौर राज्य की राजधानी राजवन में थी 1195 ईस्वी में। थोड़ा सा आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, 24 है। यहाँ से 1621 ईस्वी में नाहन शहर और नाहन दुर्ग की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जो नाहन किला और नाहन दुर्ग की जो स्थापना, सॉरी नाहन शहर और नाहन दुर्ग की जो स्थापना की थी, तो जो उस टाइम पर जो राजा हुए हैं वो करम प्रकाश हुए हैं। तो 1621 में इसकी स्थापना करम प्रकाश ने की थी। ऑप्शन क्या करते हैं, उदय प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, सुवंश प्रकाश, करम प्रकाश। तो करम प्रकाश ने क्या किया था, 1621 में नाहन शहर और नाहन दुर्ग की स्थापना की थी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से, गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासनकाल में सिरमौर की यात्रा की थी? यहाँ पे यात्रा की बात आ गई, पहले आई थी युद्ध की बात, अब आ गई यात्रा की बात। तो जो मेदिनी प्रकाश जी हुए हैं, मेदिनी प्रकाश जो राजा हुए हैं सिरमौर के, शासक हुए हैं, उनके काल में जो था, उनके टाइम पे जो था, गुरु गोविंद सिंह ने जो था सिरमौर की यात्रा की थी। मेदिनी प्रकाश। इस तरह अगला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ से, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, 18वीं सदी के अंत में नाहन के जातक दुर्ग का निर्माण किसने किया? जातक दुर्ग की बात आ गई, तो जो जातक 18वीं सदी में जो जातक दुर्ग था इसका निर्माण किया था रणजौर सिंह ने, जो राजा रणजौर सिंह थे उन्होंने इसका जो था निर्माण किया था। तो ऑप्शन हमारे पास देखते हैं क्या है इसमें, जातक दुर्ग किस निर्माण के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है अमर सिंह, थापा, रजौर सिंह, करम प्रकाश, शुभम प्रकाश। तो रणजौर सिंह जो थे इन्होंने जातक दुर्ग का निर्माण किया था 18वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 27 है, 19वीं सदी में नाहन में शीश महल एवं मोती महल किसने बनाया था? तो ये भी क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो शीश महल और मोती महल जो बनवाया था 19वीं शताब्दी में, फतेह प्रकाश जी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर हम 28 की डिस्कस करें यहाँ पे, जो हमारे पास है ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। सिरमौर रियासत की स्थापना 1195 ईस्वी में किसने की थी? तो जो 1195 ईस्वी में जो सिरमौर रियासत की स्थापना की थी वो शुभम प्रकाश ने की थी। तो उस टाइम पर राजा शुभम प्रकाश जी थे जिन्होंने सिरमौर रियासत की स्थापना की थी। इस तरह हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 हम डिस्कस करें, सिरमौर के राजा अमर प्रकाश की मृत्यु 1933 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जाता है। जो सिरमौर के राजा अमर प्रकाश जी थे उनकी जो मृत्यु हुई थी 1933 में, वो हुई थी हमारी बियाना नामक स्थान पे, बियाना नामक स्थान है वहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन चेक करते, लंदन, न्यूयॉर्क, बियाना, टोक्यो। तो बियाना में इनकी मृत्यु हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ से, नाहन में रामीताल बाग, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रामीताल बाग की बात आ गई। तब मैंने बोला था कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के जो क्वेश्चन है बहुत जरूरी रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो एग्जाम में पूछी जाती है। तो नाहन में रामीताल बाग किस राजा ने अपनी
क्योत्थल घराने की रानी की यादगार में बनाया था। तो जो ये जो बाग था, ये जो क्योत्थल घराने की रानी थी उनकी याद में जो बनाया था, तो ये बनाया था राजा शमशेर प्रकाश ने। ये जो राजा जो रानी थी, राजा शमशेर प्रकाश की रानी थी, तो उनकी याद में जो था एक जो था एक क्योत्थल बाग, जो बाग था उन्होंने, सॉरी रानी बाग, रानी ताल बाग था, ये बनाया था शमशेर प्रकाश जी ने। अगला हमारे पकटासन की लड़ाई सिरमौर के राजा जगत प्रकाश और किसके बीच हुई? गुलाम कादिर रोहिल्ला के बीच में हुई थी। अगला फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, राबिनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राबिनगढ़ जो दुर्ग था उसका निर्माण करवाया था वीर प्रकाश ने। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। ऑप्शन हमारे पास राम प्रकाश, करम प्रकाश, वीर प्रकाश या पदम प्रकाश। तो वीर प्रकाश जिन था राबिनगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब जो हमारे पास 33 वर्ष की बात करें, गोरखाओं ने किस वर्ष के आसपास सिरमौर रियापत को जीत लिया था? तो गोरखा ने जो इस रियापत को जीता था, तो उस टाइम पे जो टाइम था जब गोरखा ने इसके पे जीत की थी, तो वो 1803 ईस्वी के आसपास था। तो उन्होंने यहाँ पे सिरमौर रियापत को जीत लिया था। जरूरी क्वेश्चन है। तो ये हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के जो हमने 33 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट शिमला के, यानी अंत तक जो है हम अपने आपको बताइए कि डेली का जो हमारा रूटीन बना हुआ है कि हम आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं अब तक क्लास। तो अब हम अपना जो डिस्ट्रिक्ट का टॉपिक कवर करेंगे वो डिस्ट्रिक्ट शिमला करेंगे, लास्ट में कांगड़ा करेंगे। मतलब शिमला के थोड़े लंबे क्वेश्चन रहेंगे हमारे पास, 40 से 45 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके 15-16 क्वेश्चन है, इसको हम आज ख़त्म करेंगे। कल से अपना नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो कल या तो हम इंग्लिश ग्रामर करेंगे या हिंदी ग्रामर के टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने। बाद में भी मैं जैसे भी चलता रहेगा उसके बाद में आपको कंटिन्यू जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। आपकी डेली 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 क्यू चलती रहेगी, तो वो चलता रहेगा। बाद में एक या 2 दिन हम अपना जो अभी तक का जितना भी करंट अफेयर हुआ है उसको डिस्कस करेंगे HP का। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट शिमला से, वो है हमारे पास किस राजा ने रामपुर को अपनी रियासत बुशहर की राजधानी बनाया? तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राजा ने रामपुर को अपनी रियासत बुशहर की राजधानी बनाया। तो जो राजा थे उस टाइम पे उनका नाम था राम सिंह। तो राम सिंह ने था रामपुर को अपनी रियासत बुशहर की राजधानी बनाया। आपको पता है कि बुशहर रियासत ये शिमला क्षेत्र में हुई है, बाद में अलग हुई थी, इनका फिर मर्ज हो गया था, आपस में महासू बनी थी, महासू के बाद फिर अलग अलग होके इनके पार्टीशन हो गए थे। इस तरह हमारे पास अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शिमला से, बहुत जरूरी डिस्ट्रिक्ट रहेगी शिमला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मैं ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपके साथ जो आपको किसी भी एग्जाम में आपके लिए बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे साथ में जो ऑफिसेज वगैरह हैं या प्राचीनतम जो यहाँ पे चीज़ें हैं या जो अभी उनके नाम बदले गए, जैसे हमारे जो सेक्रेटरी वगैरह है, उससे हम क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे सारे अभी। तो अगला है हमारे पास शिमला कब भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना? मैंने जब शिमला डिस्ट्रिक्ट डिस्कस की थी तो मैंने सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन बताया था। तो शिमला जो था भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी, तो वो बनी थी 1864 ईस्वी में। ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ये 1911 है, 1905 है, 1885 है, 1864 है। तो जो शिमला जो ग्रीष्म भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी थी, वो बनी थी 1864 ईस्वी में। क्वेश्चन अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बलसन और रितेश ठकुराइयाँ किस रियासत की शाखाएं थी? जब हमने डिस्ट्रिक्ट एक कवरअप की थी तो आपको पता है कि पहले शिमला बुशहर ये सारा एक ही हिस्सा हुआ करती थी, आपका शिमला सिरमौर वगैरह एक ही रियासत हुआ करती थी। तो जो ये जो बलसन और रितेश ठकुराइयाँ थी, ये तो भी आपकी सिरमौर रियासत की जो थी ये शाखाएँ थी, ये सिरमौर रियासत के अंडर थी ये। तो यहाँ पे देखो बुशहर दिया है, बिलासपुर दिया है, सिरमौर दिया, सुकेर दिया, बट ये सिरमौर रियासत की ठकुराइयाँ थी, यानी छोटे से छोटे छोटे गाँव थे एक टाइप से समझ लो ठकुराइयाँ। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी थरोच रियासत की शाखा थी? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो थी थरोच रियासत की शाखा थी। तो जो थरोच रियासत की शाखा थी वो दाढ़ी हुई है, बाकी देखते हैं अभी यहाँ पे ऑप्शन क्या है, खनेड़ी, देलठ, दाढ़ी या रितेश। तो ये दाढ़ी जो है ये इसकी शाखा थी थरोच रियासत की। क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे, बुशहर रियासत के किस राजा को हांगसांग घाटी तिब्बत से जागीर के रूप में मिली थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो जो ये हांगसांग घाटी थी तिब्बत की, ये जो राजा हुए हैं ये केहरी सिंह हुए हैं, इनको जो था ये
जागीर के रूप में मिली थी। बुशहर रियासत के राजा हुए हैं, राजा का नाम है केरी सिंह, और जो घाटी इनको तिब्बत की जो थी जागीर के रूप में मिली थी उसका नाम था हांग रांग। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ इसी क्वेश्चन से। तो राजा हुए हैं केरी सिंह, रियासत हुई है बुशहर, और ये हांग रांग घाटी कहाँ से बिलोंग करती है, तिब्बत से, और राजा को किसके रूप में मिली थी, जागीर के रूप में, तो केरी सिंह इनका नाम हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कुमार सेन के किस राजा ने शांगरी किले पर अधिकार कर लिया और राजा को कांगला और नांगी से हराया, कांगला और नांगी से हराया। तो ये अजमेर सिंह जी हैं, राजा का नाम पूछा तो अजमेर सिंह जी हैं। यहाँ पे इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है, बट मतलब फिर भी डिस्कस करने लायक था तो मैंने आपसे डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, बुशहर रियासत के राजा की सहायता के लिए तीन परिवारों के पुश्तैनी वजीर होते थे, उनमें से एक था कोहल परिवार, यह परिवार कहाँ से आया था। तो जो ये परिवार था, जो कोहल परिवार था, ये आपका जो जो आया था, जो बुशहर रियासत में ये परिवार आया था, ये जो आया था आपका गढ़वाल से आया था, इनका जो स्वन था गढ़वाल से था कोहल परिवार का, और ये वजीर हुए हैं, मतलब यहाँ पे वजीर थे बुशहर रियासत में, तीन वजीर यहाँ पे होते थे, तीन परिवारों के पुश्तैनी वजीर थे। तो जो कोहल परिवार था ये गढ़वाल से आया था, गढ़वाल से हिमाचल आया था, मतलब ऑप्शन है यहाँ पे गढ़वाल से, सही है। क्वेश्चन नंबर ये है, 1920 के आसपास किसने शिमला में आइस स्केटिंग रिंग शुरू किया था। तो ये ब्लेसिंगटन ने था, इन्होंने किया था, जरूरी क्वेश्चन है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष शिमला म्युनिसिपल कमेटी का स्थान शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिया। मतलब हमसे पूछा गया है कि किस वर्ष शिमला म्युनिसिपल कमेटी जो थी इसका नाम जो है इसके स्थान पर शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिया, मतलब कॉरपोरेशन के रूप में कब लिया इसने, कब इसका गठन हुआ कॉरपोरेशन के रूप में। तो ये कॉरपोरेशन बनी थी, म्युनिसिपल कमेटी जो थी आपकी कॉरपोरेशन बनी थी 1978 में, आज़ादी के बाद 1978 में जो था शिमला म्युनिसिपल कमेटी जो था शिमला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गई थी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, वैसे 1975, 1977, 1978 और 1980, तो ये बनी थी 1978 में, मतलब पहले थी ये कमेटी, बाद में बनी थी ये कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा शिमला डिस्ट्रिक्ट से, ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना शिमला शहर की किस इमारत में की थी। तो ये की थी रोथनी कैसल में, जो रोथनी कैसल शिमला की जो इमारत है वहाँ पर जो था इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की कल्पना की थी। ऑप्शन चेक करते हैं क्या है, पीटर हाउस, रोथनी कैसल, रेड रूफ, मेजर हाउस, तो ये है रोथनी कैसल। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, पूछा जाता है अगर पॉलिटिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। शिमला की नर्ब सेंटर टाउन हॉल इमारत का निर्माण पत्थर और लकड़ी से कब हुआ। जो शिमला की नर्व सेंटर टाउन हॉल इमारत है इसका निर्माण पत्थर और लकड़ी से कब हुआ। तो ये जो इमारत बनाई गई है 1908 में बनाई गई है। फिर से एक बार सुन ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिमला की नर्व सेंटर टाउन हॉल इमारत का निर्माण पत्थर और लकड़ी से कब हुआ। तो ये इस इमारत का निर्माण हुआ है 1908 ईस्वी में, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, तो 1908 में इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्ट्रिक्ट शिमला से हमारे पास, अगस्त 1972 में श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने किस इमारत में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि शिमला समझौता जो था इंदिरा गांधी और ये इस पे जो साइन हुए थे, इंदिरा गांधी के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी और ये जुल्फिकार अली भुट्टो थे, पाकिस्तान के उस टाइम के थे ये, ठीक है। इन्होंने किया था, इन पे यहाँ किया था कि शिमला समझौता हुआ था। तो जो इस इमारत थी उसका नाम था वार्नस कोर्ट में जो था ये समझौता हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था इसके ऊपर। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, अगस्त के मंथ में हुआ है, 1972 में हुआ है, उस टाइम इंदिरा गांधी जो थी प्रधानमंत्री थी भारत की, और ये जो समझौता हुआ है इसको समझौते को शिमला समझौता भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि शिमला समझौता कब हुआ है तो 1972 में शिमला समझौता हुआ है, मंथ था अगस्त के महीने में यह समझौता हुआ है। और इमारत में कहाँ पर साइन हुआ था, इस पर वार्नस कोर्ट में इसके
साइन हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नोट कर ले इसको। हचिंसन एवं बोगल के अनुसार शिमला हिल स्टेट की ठकुराइयों के कितने शासकों की उपाधि राणा या ठाकुर थी? तो जो यहाँ पे जो ठाकुर इनके जो अकॉर्डिंग जो इन्होंने बताया हिचिनसन एवं बंगोल के बोगल के अनुसार जो था शिमला हिल स्टेट की ठकुराइयों के कितने शासकों की उपाधि राणा या ठाकुर थी? तो जो ये जो ठकुराइयाँ थी टोटल जो थी 16 थी, इनके ये उपाधि थी राणा और ठाकुर, ये इनकी मतलब सर नेम थे, लास्ट में 16 थी ये। इतना जरूरी क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा सकता है। अभी हार्डली में भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आया था। हिमाचल प्रदेश मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC का कार्यालय शिमला के किस स्थान पर स्थित है? तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, तो जो इनका जो कार्यालय है वो शिमला में और फंडेल भवन में स्थित है। तो ये इनका जो यहाँ पे है ये है रिचमंड बिल्ला है, देल बिल्ला है, या रेवेंस वुड है, या इनका है ऑर्म्स डेल भवन। बहुत जरूरी क्वेश्चन है पूछा था एग्जाम में, ऑर्म्स डेल भवन में है। कुफरी निम्नलिखित में से किस किस नज़दीक है? तो आपको पता है कुफरी शिमला में है, शिमला के नज़दीक है, इसका आंसर बताने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन रहेगा, नोट डाउन कर ले जाए इसको, मार्क कर ले। किस वर्ष विश्व काटन स्कूल BCS को अब उसके पुराने स्थान जतोग से वर्तमान जगह शिफ्ट किया गया था? तो जो ये स्कूल था BCS स्कूल, इसको अपने पुराने स्थान जतोग से वर्तमान जगह शिफ्ट किया गया, जब जहाँ भी है ये, तो इसको किया गया था 1866 में शिफ्ट किया गया था। पुराना क्वेश्चन, पुराना स्कूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक ऑप्शन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसको शिफ्ट किया गया था, जो पहले होता था जतोग में, जतोग से इसको मतलब शिफ्ट कर दिया था जो वहाँ पे अभी है शिमला में, 1866 में किया था उसको। इस तरह का ऑप्शन हमारे पास शिमला का विश्व काटन स्कूल, देखो फिर से ऑप्शन आ गई शुरुआत में, कहाँ स्थित था सबसे पहले, कहाँ पे स्थित था? देखो मैंने अभी बताया पहले सबसे पहले जतोग में था, जितो के बाद को शिफ्ट किया गया था। तो काफी फिर से वही आ रहा है, शिमला का विश्व काटन स्कूल शुरुआत में कहाँ स्थित था? तो ये था आपका जतोग में, डगसा, ये सारे कैंट हैं जतोग वगैरह, जो आर्मी कैंट, आर्मी एरिया, आर्मी कैंट है, कसौली भी, स्पाटू भी, डगसाई, ये सारे आर्मी कैंट हैं, ठीक है, ये आपका सारे कैंट हैं। तो ये स्कूल था विश्व काटन स्कूल जतोग कैंट में हुआ करता था पहले, बाद में अब इसको शिफ्ट कर दिया गया है। अगला हमारे पास लाल पानी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन सा कथन सत्य है, तो लाल पानी जो है यह शिमला रिजर्व वन भूमि है, वन है मतलब, तो ये शिमला का रिजर्व वन है। बाकी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हिमाचल की, हिमाचल प्रदेश की ग्लेशियर झील है, तो ये गलत है। यहाँ पे नदी है, ये भी गलत है, यह हिमाचल का ग्लेशियर, ये सारे गलत हैं। जो लाल पानी है ये हिमाचल, यह शिमला का रिजर्व वन है, रिजर्व फॉरेस्ट है। लाल पानी सोच के मैं सोचना कि नदी है, झील है, ये बंद है, ठीक है, कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे मतलब लाल पानी है, लाल पानी बंद है, कोई नदी नहीं है, कोई झील नहीं है, ठीक है। जरूरी क्वेश्चन है पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें यहाँ से, जो हमारा क्वेश्चन है वो है शिमला का चौड़ा मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। तो जो शिमला का जो ये चौड़ा मैदान है ये जो प्रसिद्ध है, यह स्टेट म्यूजियम के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे स्टेट म्यूजियम है। जरूरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास अगला है जो यहाँ से, कौन सा भवन स्वतंत्रता से पूर्व 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो भवन था, इस भवन का नाम था बार्नेस कोर्ट। तो ये भवन था कि ये ब्रिटिश कमांडर पूर्व 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय था, तो ये भवन का नाम था बार्नेस कोर्ट, वार्निस कोट। जरूरी क्वेश्चन है सारे जितने भी हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 21 पे, 1888 ईस्वी में शिमला रिजर्ट में बने टाउन हॉल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये जो डिजाइन किया था, ये किया था डिजाइन हेनरी इरविन ने, जो हेनरी इरविन थे, इसका जो उन्होंने डिजाइन किया था शिमला टाउन, जो शिमला रिजर्व में बने टाउन हॉल का जो आर्किटेक्चर है उसका जो डिजाइन है वो इन्होंने किया था हेनरी इरविन ने 1888 में।
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ से कैदी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण कहाँ स्थित है? तो जुब्बल नारायण जो स्थित है वो कुमारसेन में है। कैदी अपराधियों के लिए प्रसिद्ध स्थान जुब्बल नारायण जो है ये आपका कुमारसेन में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट शिमला आएगी, जगह का नाम आएगा कुमारसेन। क्वेश्चन नंबर 23, पद्म सिंह महल हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पद्म सिंह जो महल है आपको पता ही होगा किसके वो पूर्वज हुए हैं और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका रामपुर में है सिद्ध, और राज रामपुर में है। और पद्म पैलेस आपको पता ही होगा कि ये जो है जो राजा वीरभद्र वगैरह की इनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पिताजी के नाम पे इनका नाम रखा गया था पद्म पैलेस, पद्म सिंह। ये जो पैलेस है आपका रामपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बहुत जरूरी क्वेश्चन है। प्रदेश में बैटनी कैंसर की देख रेख अब कौन करेगा? तो ये बैटनी कैसल है इसकी देख रेख जो करेगा वो करेगा भाषा एवं भाषा सांस्कृतिक विभाग जो हिमाचल प्रदेश का है वो करेगा। तो ऑप्शन देखते हैं, पर्यटन विभाग, नगर निगम, भाषा सांस्कृतिक विभाग, राजभवन। तो जो इसकी ये बैटनी कैसल है इसकी जो देखभाल करेगा वो भाषा सांस्कृतिक विभाग करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, मुखिया वजीर और माहर नामक कनेतों की उपजातियाँ किस क्षेत्र में आबाद हैं? तो ये जो है जाती हैं, ये जो मुखिया बजीर और माहर नामक कनेतों की जो उपजातियाँ हैं ये शिमला क्षेत्र शिमला में आबाद है, तो इसका आंसर आएगा शिमला। क्वेश्चन नंबर पास अगला, यहाँ पे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को किसने निर्दिष्ट किया था? तो जो सर जॉन लॉरेंस लॉरेंस हैं उन्होंने इसको जो था इसकी शिमला को जो था ग्रीष्मकालीन राजधानी निर्दिष्ट किया था। तो ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलिंगन, सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में शिमला को निर्दिष्ट किया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, शिमला जिला में हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है? तो जो शिमला जिला में जो हर्बल गार्डन है वो डुमरेड़ा नामक स्थान पर स्थित है। बेसिक सा क्वेश्चन है तो देख लेते हैं, ऑप्शन डुमरेड़ा, झड़ग, पुडुग, सेंज, तो ये डुमरेड़ा में है स्थित शिमला हर्बल गार्डन। जरूरी क्वेश्चन है, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। कर्नल रोगनी के जाखू चोटी पर रोगनी किला किस वर्ष बनाया? ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। तो जो ये कर्नल रोगनी ने रोगनी के जाखू चोटी पर जो किला रोगनी किला बनाया था वो 1836 में बनाया था। ऑप्शन चेक करते हैं, 1818 है, 1824 है, 1830 है, 1836 है। तो ये किला है रोगनी किला ये बनाया था 1833 में, और बनाया किस था कर्नल रोगनी ने, और बना है कहाँ पे? जाखू चोटी पे, जाखू हिल पे है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्राचीन समय में रामपुर बुशहर राज्य की राजधानी क्या थी? तो प्राचीन समय में जो रामपुर बुशहर राज्य की जो राजधानी थी वो थी कामरू, हमने डिस्कस किया है, तो ये कामरू की राजधानी हुआ करती थी। ऑप्शन देख सकते हैं क्या है यहाँ पे, तो ऑप्शन है अन्नी, रिब्बा, कामरू, कुमारसेन। तो इनकी जो राजधानी थी कामरू थी, प्राचीन समय में रामपुर विषय राज्य की राजधानी कामरू थी। जरूरी क्वेश्चन है, महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए और कहाँ ठहरे? तो शांतिकुटीर में ठहरे थे। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, हाई कोर्ट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, पीछे कंडक्टर वगैरह के एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन पूछा गया था। किस वर्ष पंजाब सरकार की राजधानी को शिमला से चंडीगढ़ स्थानांतरित किया गया? तो पहले आपको बताया कि पंजाब सरकार की राजधानी शिमला हुआ करती थी, इसको कब मतलब जो है बदले मतलब यहाँ से बदल दिया गया था, चंडीगढ़ में बदल दिया गया था, तो 1966 में इसको बदल दिया गया था। तो 1966 में पंजाब सरकार की राजधानी को शिमला से चंडीगढ़ बदल दिया गया था। पहले इनकी राजधानी शिमला थी पंजाब की, उसको बाद में चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया था 1966 में। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें, यहाँ से शिमला का ग्रेटी थिएटर आम जनता को कब समर्पित किया गया? ये भी बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 1887 में इसको किया गया था जनता को समर्पित। अगला क्वेश्चन है, शिमला के रिज पर निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति ने स्थापित नहीं है? तो शिमला के रिज पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति नहीं है स्थापित। इंदिरा गांधी, वाई एस परमार इनकी है, तो जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं इनकी प्रतिमा नहीं है, महात्मा गांधी की भी है। शिमला में बेगार प्रथा के विरुद्ध आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा? तो
एक अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सी बेगार प्रथा के विरुद्ध में जो था आंदोलन किस व्यक्ति ने छेड़ा था, वो किया था, शुरू किया था सैमुअल स्टॉक्स ने। तो सैमुअल स्टॉक्स थे, उन्होंने बेगार प्रथा के विरुद्ध जो था आंदोलन किया था। तो यहाँ पे हमारे पास गया भागमल सोंठा, सैमुअल स्टॉक्स, डॉक्टर बाई एस परमार, बुलाई भाई, बुल्ला भाई। तो सैमुअल स्टॉक ने किया था बेगार प्रथा के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिमला नगर पालिका का निर्माण कौन से सन में हुआ? तो नगर पालिका का निर्माण हुआ 1852 में। जरूरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो अगला है हमारे पास यहाँ पे, उसको डिस्कस करेंगे हम। निम्नलिखित में से किस भवन को एचपी सचिवालय भी कहते हैं? जो अभी ये भवन है उसको एचपी सचिवालय भी कहते हैं, उस भवन का नाम क्या है? तो जो एल सी लर्ली है, जो भवन है एल सी लर्ली, उसको जो है जो सचिवालय भी कहते हैं, एचपी का सचिवालय भी कहते हैं। तो ये है एली सरली। निम्नलिखित में कौन सा भवन 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के मुकदमे से संबंधित है? तो पीटर हॉफ है, जो 1948 में जो महात्मा गांधी की हत्या हुई थी उसके मुकदमे से संबंध है, इसका संबंध है। तो यहाँ पे इनका मुकदमा चला था पीटर हॉफ में, 1948, पीटर हॉफ। जरूरी क्वेश्चन है साहब भी। क्वेश्चन 38 में बात करें, महात्मा गांधी ने शिमला में प्रवास कब किया था? तो ये हमारा 1921 में किया था। रुके कहाँ थे वो मैंने आपको बता दिया, फांती कुटरी में रुके हैं। तो 1921 में महात्मा गांधी सबसे पहले जो है मतलब शिमला में आए थे। तो ये आए थे 1921 में और रुके कहाँ थे, शांति कुटीर में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए ओ हयूम शिमला में किस भवन में रहता था? तो वो आएगा रोशनी के स्थल, यहीं पे जो स्थापना हुई थी। मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया है थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिमला का पहला बैंक कौन सा था? तो शिमला का जो पहला बैंक था वो था अलायंस बैंक ऑफ शिमला। तो शिमला का जो पहला बैंक है उसके बारे में पूछे तो वो था अलायंस बैंक ऑफ शिमला। एक सुंदर पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में शिमला की खोज सबसे पहले किसने की? तो एक सुंदर मतलब पर्वतीय पर्यटक स्थल के रूप में शिमला की खोज की थी वो की थी मेजर कनेडी ने, जो मनेजर कैटनाडी थे उन्होंने इसको पर्यटन स्थल के रूप में खोजा था कि शिमला जो है टूरिस्ट प्लेस बन सकता है, बना है। तो मेजर कनेडी, ऑप्शन बी। इस तरह क्वेश्चन अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है, शिमला किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बना? जब हमने डिस्कस किया था 1966 में राजधानी बना है। जब हमने शिमला शिमला की बात डिस्ट्रिक्ट की बात की तो मैंने आपको बताया था कि 1966 में शिमला जो था हिमाचल प्रदेश की राजधानी बना है। मैं लोग 12 ठकराइयों में से एक की स्थापना अयोध्या के किस राजकुमार द्वारा हुई थी? तो जो अयोध्या के राजकुमार थे उनका नाम था हरिचंद। जो मैं लोग 12 ठकराइयों में से एक ठकराई की स्थापना जो की थी स्थापना अयोध्या के किस राजकुमार ने की थी? तो ये की थी हरिचंद ने। ऑप्शन देखिए कितना क्या है हमारे पास, महान चंद, हरिचंद, नरपति, मृत्युंजय कुमार। तो हरिचंद ने किस स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अगला क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ से, शिमला में निवास करने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड एमलर्ड से, जो कि यहाँ पे प्रथम थे जो यहाँ पे उन्होंने निवास किया था। तो इनका नाम है लॉर्ड हेमस्ट, उल्टा सा नाम कुछ यार, लॉर्ड एम हफर्ड, लॉर्ड एम हफर्ड। शिमला 1942 से 45 तक किसका निर्वासित मुख्यालय था? तो ये बर्मा का जो था निर्वासित मुख्यालय था 1942 से 45 तक। शिमला जो था किसका निर्वासित मुख्यालय था बर्मा का? तो यहाँ पे तिब्बत है, अफगानिस्तान है, बर्मा, मालदीव, बर्मा यानी म्यांमार का। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, गोल्डन कैसल यानी किला महल, जो कैसल की बात करें तो किला या महल बोल सकते हैं, वर्तमान में शिमला में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है अभी, मतलब है किस वर्ष निर्मित हुआ? जो अभी जो गोल्डन कैसल जो है यानी किला महल, जो वर्तमान में भी शिमला में अकाउंटेंट जनरल ऑफिस है, किस वर्ष निर्मित हुआ? तो ये हुआ था हमारा 1904 में। जरूरी क्वेश्चन है।
अंग्रेजों ने भगवान को धन्यवाद के रूप स्वरूप में किस वर्ष शिमला में बिशप काटन स्कूल खोला? तो वही बात आ गई कि कब खुला था, 1859 ईस्वी में खुला था बिशप काटन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 48 है, हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने 17वीं सदी में तो की गई एक संधि के द्वारा तिब्बत के क्षेत्र को उसकी वर्तमान सीमा तक पीछे कर दिया था? तो ये हमारे पास है बुशहर। क्वेश्चन अगला है हमारे पास 49, ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक कौन थे? तो जयचंद या जयचंद, ये जो ठियोग पहाड़ी रियासत के संस्थापक थे। जुंगा किस पहाड़ी रियासत की राजधानी थी? जुग्गा, जुंगा। तो ये आपको पता है कि ये केओक्खल की जो थी राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट से, बुशहर रियासत के किस राजा को अजान बाहू की उपाधि प्राप्त थी? अजान बाहू की जो उपाधि थी वो केरी सिंह को प्राप्त थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो केरी सिंह, अजान बाहू। अब जो लास्ट हमारा टॉपिक है उसको हम कवर अप करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, फिर हम कल अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, आज थोड़ा लंबा हो जाएगा। वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की थी? तो वो तो गुलेर रियासत के राजा, जिन्होंने कांगड़ा रियासत के राजा को, राजा जयचंद को बंदी बनाने के लिए अकबर की मदद की थी, तो उनका नाम था गुलेर, गुलेर, गुलेर रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने के लिए अकबर की मदद की थी, गुलेर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से, धर्मशाला शहर के नजदीक किस स्थान को छोटा इजराइल कहा जाता है? तो आप सबको पता ही होगा कि किसको कहा जाता है, धर्मकोट को, धर्मकोट को छोटा इजराइल कहा जाता है। सिदवाड़ी, मटोर, साको, धर्मकोट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था एग्जाम में, धर्मशाला शहर के नज़दीक किस स्थान को छोटा इजराइल कहा जाता है? तो यह है धर्मकोट। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, धर्मशाला के समीप किस गांव में ध्यान के लिए यानी मेडिटेशन विपासना केंद्र स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है, धर्मकोट में स्थित है। सिदवाड़ी, मटोर, साको, धर्मकोट। धर्मकोट में जो है मेडिटेशन के लिए विपासना केंद्र स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में बहुत बार। क्वेश्चन नंबर अगला, त्रिउंड और धर्मकोट किस जिले में स्थित हैं? तो कांगड़ा में है, सारी चोटियां हैं, ट्रैकिंग प्लेस हैं, कांगड़ा में है त्रिउंड और धर्मकोट। अगला, कांगड़ा का कौन सा राजा शिकार खेलते समय कुएं में गिर गया और उसे मरा हुआ मान लिया गया? तो जो राजा थे इनका नाम था हरिचंद प्रथम, हरिचंद प्रथम जो थे कांगड़ा, कांगड़ा का राजा था जिसको शिकार खेल में कुएं में गिर गए थे और इन्हें मरा हुआ मान लिया गया था, हरिचंद प्रथम को। अगला हमारा क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा कौन था? बीर सिंह जी थे जो अंतिम राजा थे जिन्होंने नूरपुर रियासत पर राज किया था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इतनी डीप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने एक सारे क्वेश्चन जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कवरअप किए हैं, क्योंकि पहले हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट जो थी कांगड़ा का ही भाग थी। इस तरह हम बात करें, बड़ा बंगाल किस जिले में स्थित है? तो बड़ा बंगाल आपको पता है कांगड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शाहजहां ने नूरपुर के किस राजा को बल्ख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था? तो जो राजा जगत सिंह थे इनको शाहजहां ने नूरपुर जो था बल्ख के उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने को भेजा था। तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ क्या है, राजेंद्र सिंह है, जगत सिंह है, बासु मनघाता। तो ये हैं जगत सिंह जी जिनको शाहजहां ने उज्बेकों के विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा था और इनका संबंध था नूरपुर से। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम क्या था? इनका नाम था पठानिया, जो नूरपुर के रियासत के राजा थे इनके जो वंशज हैं इनका नाम था पठानिया। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, नूरपुर के किस राजा ने अपने राज्य पर कब्जा होने के बाद महाराजा रणजीत सिंह से जागीर लेने से इनकार कर दिया? बीर सिंह थे जिन्होंने कि अपने इनके राज्य पर जब कस्बा कब्जा हो गया था तो उन्होंने राजा जो रणजीत सिंह थे महाराज पंजाब के उनसे जागीर लेने के लिए इनकार कर दिया था बीर सिंह ने। जरूरी क्वेश्चन है, कौन गुलेर रियासत का शासक नहीं है? तो हरिचंद है भी थे, हमीरचंद जो थे ये गुलेर के शासक नहीं थे क्योंकि ये हमीरपुर के थे। तिरगत से सुविख्यात घराने के किस मुखिया ने अपनी बेटी का विवाह कीरा ग्राम किराना से किया जो से मातहतों से में से एक था, मातहतों में से एक था, तो वो था हरदयचंद। इतना जरूरी क्वेश्चन यहाँ पर फिर भी डिस्कस करना था, कर लिया।
त्रिगढ़ के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बैजनाथ खिराना लक्ष्मण चंद से किया, जो उसका अधीनस्थ जागीरदार था? तो ये था हरदे चंद। कांगड़ा रियासत से और कई रियासतें निकली, सबसे पहले निकलने वाली रियासत वाली शाखा कौन कौन सी थी? जसवा, जो सबसे पहले कांगड़ा रियासत से निकली है वो जसवा थी शाखा। अगला मेरा, कौन कांगड़ा क्षेत्र में सबसे छोटी रियासत कौन थी? कुठलैड़, ये भी पहले कांगड़ा का हिस्सा हुआ करती थी। कौन सी रियासत से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ? तो गुलेर से सिब्बा रियासत का जन्म हुआ। इसी तरह हम अगला जो बात करें, कांगड़ा के किस क्षेत्र में के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी बताई जाती है? तो कनिहार, कनिहार के जो राजा कनिहार थे, राजा कांगड़ा के किस क्षेत्र के राणा ने पानी का मार्ग खोलने के लिए अपनी बहू की बलि दी तो बताई जाती है? तो ये थे कनिहार, कनिहारा, कनिहारा राणा, जो कनिहारा थे, कनिहारा क्षेत्र के राणा थे, उन्होंने अपनी बहू की बलि दी थी। कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर कौन था? तो नवाब अली खान था कांगड़ा का पहला मुगल गवर्नर। अगला हमारे पास, कनिंदम और के अनुसार कांगड़ा रियासत समूह में कौन सी रियासत आती है? तो ये आती है जो रावी और सतलुज के बीच में है, तो ये आती है जो रावी और सतलुज के बीच में है। अगला है, कांगड़ा की कौन सी रियासत के राजा सूर्यवंशी थे? तो किसी जो गुलेर रिया सिब्बा जसवान, इनके जो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये जो इनके जो थे ये सभी सूर्यवंशी, मतलब सूर्यवंशी नहीं थे, इनमें से कोई भी नहीं है जो सूर्यवंशी से संबंध रखती हैं रियासतें, ये कोई भी सूर्यवंशी नहीं थे। अगला प्रश्न, कांगड़ा का कौन सा राजा उसी वर्ष गद्दी पर बैठा जिस वर्ष जहांगीर गद्दी पर बैठा था? मैंने डिस्कस किया है जब हम कर रहे थे त्रिलोकचंद, जब त्रिलोकचंद और जहांगीर, जहांगीर और त्रिलोकचंद थे एक टाइम पे गद्दी पर बैठे हैं, एक समय में गद्दी पर बैठे हैं। गुलेर रियासत को राजधानी, मतलब गुलेर किस रियासत की राजधानी थी? गुलेर रियासत को किस रियासत की राजधानी थी? हरिपुर की राजधानी थी गुलेर। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से, हरिसन, हचिसन और बोगल निम्नलिखित में से किसे मोहम्मदन रियासत मानते हैं? शाहपुर को, शाहपुर को जो है उसको मोहम्मदन रियासत मानते हैं क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम की संख्या ज़्यादा, ऐसा बोल मानना है इनका। उस गद्दन का क्या नाम था जिसने कांगड़ा के राजा संसारचंद को प्यार हो गया था? यहाँ पर गद्दन का नाम पूछा गया है, उस गद्दन का नाम क्या था जिससे कांगड़ा के राजा संसारचंद को प्यार हो गया था? तो था सिब्बा और दतारपुर। अगला प्रश्न है यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन सी रियासतें गुलेर रियासत से उपजी उपजी शाखाएं हैं? अनिरुद्धोरचंद, इसका आंसर होगा अनिरुद्धोरचंद जो है गुलेर रियासत से उपजी शाखाएं हैं। कांगड़ा रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो भूमाचंद जो थे कांगड़ा रियासत के अंतिम राजा थे। प्राचीन कांगड़ा राज्य के कटोच राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भूमाचंद को माना जाता है राजवंश का संस्थापक, प्राचीन कांगड़ा के कटोच वंश का। अगला है, कांगड़ा रियासत के किस वंशज को मेजर की उपाधि 1888 में ब्रिटिश आर्मी ने दी थी? तो जयचंद को ये जो उपाधि थी 1888 में ब्रिटिश आर्मी ने दी थी मेजर की। अगला वो अपने, किस रियासत का राजा अपनी रियासत सिखों से बचाने के में कामयाब रहा था? क्योंकि उसने अपने परिवार की दो राजकुमारियों का विवाह ध्यान सिंह यानी महाराणा रणजीत सिंह का मंत्री के परिवार के साथ किया था। तो ये था हमारे जो राजा हुआ है बोले सिब्बा के राजा, सिब्बा रियासत के। अगला क्वेश्चन है और हमारे पास, कांगड़ा के राजा धर्मचंद का दरबारी कवि जिसने 1562 ईस्वी में धर्मचंद नाट्य लिखा कौन था? तो कब अगर नाम पूछा गया कवि का तो थे मानिक चंद थे, इन्होंने जो था धर्मचंद काव्य की स्थापना की थी, धर्मचंद नाटक की लिखा था उन्होंने, लिखा कब था? 1562 में, जूरी क्वेश्चन है पूछा था एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत के क्षेत्र को 19वीं शताब्दी में दो चचेरे भाई भाइयों वंशजों विजय सिंह और राम सिंह में विभाजित किया गया? तो सिब्बा। यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन है, 1651 ईस्वी में के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? मैंने डिस्कस किया जब हमने पढ़ाया था, तो वो थॉमस कोरियत, कोरियत ये जो थे कि पहले यूरोपियन थे जो कांगड़ा में आए थे।